हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना 5 यूनिट खत्म कर चुके हैं अब तक। ठीक है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर थ्रीडी के साथ। और हमने लास्ट में एक दिन का लेक्चर लिया था लीनियर प्रोग्रामिंग। दैट्स ऑल एंड, वो सब चीज़ें क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो हमको अब करना क्या है इसमें बेसिकली कि अब हम पढ़ेंगे अपना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इनडेफिनिट और डेफिनिट। तो पहले हम क्या करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं पूरी तरह से। देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन हैं। आप में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे आपके सिलेबस में। क्लास 12 में आप जब सीयूटी का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे इंटीग्रेशन के मेथड्स। हम उन सभी को करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम उनके कुछ और चीज़ों को भी देखेंगे जिससे उनको हम शॉर्ट समय में भी कर सकें, या उन इंटीग्रेशन के बेसिस पर किसी अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ए हो, बी हो, सी हो, इन चीज़ों को आप कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या करनी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी आप लोग साथ बने रहिए और इस चीज़ों को देखते रहिए, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर वन शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर वन में सिर्फ और सिर्फ अपने हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे लेक्चर वन में, हम सिर्फ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करेंगे, जिसमें हम फार्मूला पहले लिखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे, इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी स्टडी करेंगे। और टाइप्स ऑफ ए, यानी ए टाइप से लेकर टाइप ई तक हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे अपने लेक्चर वन में। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूलों को लिख देते हैं, जिससे आपको सुविधा रहे चीज़ों को समझने में। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग डिप्लोमा में डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो बेसिक फार्मूले डिफ्रेंशिएशन से आप लोग को आते होंगे, और साथ साथ थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशन भी आप सीखे होंगे। ठीक है, तो मैं ये मान कर चलता हूँ और इस चैप्टर को मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समझाऊँ। और अगर आप में से किसी को डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो वो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन की प्रैक्टिस जरूर कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लिखते हैं पहले कुछ फार्मूलेस को, हम क्लियर करते हैं जितने भी फार्मूले होंगे हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फार्मूला यूज्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, फार्मूला यूज्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होंगे हम उनको देखेंगे, और थोड़े थोड़े करके देखेंगे। जरूरी नहीं कि सारे फार्मूले एक साथ देखे जाएं, हम थोड़े थोड़े करके देखेंगे और कुछ ना कुछ इसमें सीखते रहेंगे। ठीक है ना, तो इधर आप डाल दीजिए सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका रहेगा सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दीजिए इंटीग्रल, यहाँ पे आप डाल दीजिए इंटीग्रल, और उसके बाद आप डाल दीजिए वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, आपको बेसिक फार्मूले ही यूज करना है। हम बेसिक फार्मूले पे पहले काम करेंगे ताकि हमारा एक वर्जन जो है कंप्लीट रहे। ठीक है, जैसे पहला जो बेसिक फार्मूला यूज करेंगे हम, सबसे पहला वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर इसके पास x है, dx है, तो आप किस वक्त किसको इंटीग्रेट करेंगे, जो x के फंक्शन होंगे आप उसे ही इंटीग्रेट करेंगे। अगर यहाँ पे dy होता तो आप क्या करते, y को छोड़कर जितने भी होते वो कांस्टेंट में गिने जाते, और आप क्या करते सिर्फ y को इंटीग्रेट करते। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होगा आपका x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कोई कांस्टेंट आप c ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट आप क्या कर देंगे, c ऐड कर देंगे। दूसरा होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अगर आप cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलेगा sin x प्लस c। आपको क्या मिलेगा, sin x प्लस c, sin x प्लस c। ठीक है, तीसरा अगर आप करते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स का, अगर आप इंटीग्रेशन करें साइन एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स देन यू साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स होगा, डी एक्स आप जरूर लिखेंगे डी एक्स, तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, आप जरा इस चीज को देख पाएंगे, ठीक है, कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करते थे तो क्या मिलता था, माइनस का साइन एक्स मिलता था ना। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमको मिलती थी उस टाइम पे जब हम करते थे डिफरेंशिएशन में, बेसिक चीजों को देखते थे डिफरेंशिएशन के। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, वही उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा ये देखो, अगर हम x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी तीन फार्मूले हैं, ये देखो इन तीन फार्मूले को थोड़ा मैं डिफरेंशिएशन से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि क्या क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे मान लो
हमसे मान लो अगर तुमको यहीं पे x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करना होता, डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, तो क्या मिलता था, ये n x टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। और जब इसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो x टू दी पावर n को, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, ये x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हो क्या रहा है, इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को जोड़ने का काम करता है, वो क्या करता है, एडिशन टाइप का काम करता है वो, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन जो होता है वो तोड़ने का काम करता है, बात समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा डिफरेंशिएशन से क्या होती है, ज्यादा ही होती है, ठीक है। ये सिंपल सी एक बात है जो आपको समझ में आ रही होगी। अभी जैसे हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, यहाँ लिखा ना इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, जहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपने क्या लिखा, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स लिखा। जब यही हम डी डी एक्स करने डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते थे, जब हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, कॉस एक्स मिलता था ना, कॉस एक्स मिलता था। तो देखो कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिल गया, साइन एक्स, यानी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। देखो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते साइन एक्स को क्या मिलता, कॉस एक्स, और हमने कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिला, साइन का एक्स मिला। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। कहने का मतलब ये है अगर आप cos x को इंटीग्रेट किए तो क्या मिला, sin x मिला, और अगर आप sin x को डिफरेंशिएट कर दें तो जिसको आप इंटीग्रेट किए वो मिल जाएगा, क्लियर है। जैसे यहां मैं लिख देता हूं, यदि इंटीग्रेशन के बाद यदि इंटीग्रेशन के बाद जो मिला है, ठीक है ना, जो मिला है उसे डिफरेंशिएट कर दो, उसे डिफरेंशिएट कर दो तो क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर ऐसा समझो कि इंटीग्रेशन जिसको करने गए हो, जिसका इंटीग्रेशन किया वो मिल जाएगा, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन किया हो वो मिल जाएगा। तो जिसका इंटीग्रेशन किया हो मिल जाएगा, ठीक है, तो जिसका इंटीग्रेशन किया हो, जिसका इंटीग्रेशन किया हो मिल जाएगा, किया हो मिल जाएगा। अब इस ट्रिक का हम यूज कहाँ करेंगे बताते हैं, मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। कहोगे सर जरा इसको प्रूफ करिए कि कैसे ये बात आपने लिखी है, कि मतलब ये चीज कैसे हो रही है। तो देखो x टू दी पावर n को तुमने इंटीग्रेट किया था तो तुम्हें क्या मिला था, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। अब आप कहे हैं सर कि जिसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन के बाद जो मिलता है उसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो वापस ये चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां से यहां तुम क्या किए, इंटीग्रेट किए, और यहां से यहां क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये चीज मिल गया। अगर इसको तुम इंटीग्रेट करते हो तो ये मिलेगा, इसको तुम डिफरेंशिएट करते हो तो ये मिलेगा। यानी ये कुछ ऐसा लिखा है, अगर आप a इक्वल टू b लिखे हैं, a से b आपने क्या किया, इंटीग्रेट, क्या किया, अगर a से b आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया है, सिंपल सी बात है ना, अगर आपने a से b क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, ठीक है, तो b से a आप पहुंच जाएंगे कैसे, अगर आप डिफरेंशिएट कर दें तो, a से b वो क्या कर दिया, अगर आपको a से b जाना था तो आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, और b से a जाना था तो आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, ट्रिक, एज अ ट्रिक करेंगे। ट्रिक क्या होगी, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, एग्जाम में क्या कर दे, आपको कोई एक क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, और आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ी समस्या आ रही है इंटीग्रेट करने में, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करते जाइए। आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जिस चीज को इंटीग्रेट करना था, तो जिस ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने से वो इंटीग्रेशन जिसका करना है आपको, अगर वो मिल जाए तो वही आंसर क्या है, करेक्ट है कि नहीं है। ये ट्रिक समझ में आया कि इंटीग्रेशन में हम कौन से ट्रिक का यूज करेंगे और क्यों करेंगे।
क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई समस्या समझ में आ रहा होगा भाई। सिंपल सी बात है ये कि हम इन चीजों को क्या कर रहे हैं, बेसिकली आसान करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा मकसद क्या है, इनको आसान करके समझना, यही ना हमारा मकसद है कि भैया इसको हम आसान कर लें, ठीक है। तो ये बात समझ में आया ना, ट्रिक ट्रिक तुम्हारी ये ट्रिक थी, ये क्या थी, ट्रिक नंबर वन इस चैप्टर में, ट्रिक नंबर तुम्हारी ये वन थी, ट्रिक वन। इसका इस्तेमाल तुम कब करोगे, जब अगर तुम कोई क्वेश्चन में फंस जाओ, क्या करो अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, या तुमको हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करें, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक देने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लो वो तुमको कोई एक क्वेश्चन ऐसे दे दे, क्वेश्चन दे दे ऐसे, क्वेश्चन दे दे तुमको ऐसे, मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हारा आया है एक्स क्यू, ठीक है, प्लस ऐसे कुछ आया है, एक्स क्यू प्लस एक्स ऐसे आया है, ठीक है, और मान लो एक्स क्यू प्लस ऐसे ऐसे कुछ आया है, और यहाँ पे कोई वैल्यू सी यू कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट डाल दिए, सी वन वगैरह डाल दिए, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पूछेंगे कैसे, मान लो यहाँ इंटीग्रेट करके कोई वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इनमें से कोई डाटा मिसिंग है, या फिर ऐसे समझो कि इनमें से कोई एक डाटा मिसिंग है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ऐसे में लिख दूँ, चलो एक्स क्यूब, इसको मैं कंप्लीट लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखो इसको एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, और ये ए बी और सी आपको निकालना हो, इसको इंटीग्रेट करने के बाद इतना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है, और आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, और सी की वैल्यू आपको बतानी है कि भाई ए बी सी क्या है। मान लो इंटीग्रेट करने पर तुम्हारा कितना आया, इतना आया, और तुम्हें ए बी और सी की वैल्यू बतानी है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तुम्हें ये चीज डिफाइन करना है, सी कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको करने के लिए, तुम क्या करोगे भाई, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट करके आया है और ए बी सी की वैल्यू नहीं दिया है, और तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स है मतलब एक्स टू द पावर एन टाइप का है ना, एक्स टू द पावर एन टाइप का है ना एक्स स्क्वायर, एन को जगह अगर तुम वन रख दो तो क्या बन जाएगा, टू रख दो तो टू बन जाएगा, थ्री रख दो तो थ्री बन जाएगा। तो एक्स को अगर तुम सिंपल इंटीग्रेट करो, एक्स को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, इस पर एन की वैल्यू कितनी है, वन है, यानी एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन कहीं बगल में लिख लो, क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। आज मैं आपको इस पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है, सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, ताकि जब हम रनिंग में आए तो क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कर सकें, ठीक है। आप लोग थोड़ा बहुत डिप्लोमा में पढ़े होंगे, लेकिन हम वापस से बेसिक्स से बात कर रहे हैं और इसको हम रनिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर वन पे हम सिर्फ बेसिक्स को ही रखते हैं। तो एक्स टू दी पावर एन को आपको इंटीग्रेट करके पता है कि ये मिलता है भाई एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एन की जगह यहाँ क्या है, वन है ना, तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो कितना मिला इंटीग्रेट होकर एक्स को, एक्स को इंटीग्रेट किया तो मिला एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी। ऐसे ही तुम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, तुम्हें क्या मिलता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन की जगह टू है, एन की जगह कितना है, टू है, तो क्या मिलता तुमको, ये एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए तो कॉन्स्टेंट है भैया, ए तो कॉन्स्टेंट है, या तो तुम इसको इंटीग्रेट कर लो, या तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, ठीक है, या तो तुम इस गिवन टर्म को पहले इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेट करने के बाद जो आ रहा है उससे क्या कर लो, मैच करा लो, या दूसरा तरीका भाई इसको तुम चुपचाप क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिलता है, तो हम डिफरेंशिएट से करते हैं, मेथड वन, हम पहले मेथड वन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेथड वन का मतलब है कि आप पहले इसको इंटीग्रेट करिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं डी एक्स के साथ। अब ये सारी चीजें सबके साथ हो जाएंगी तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाता है, समय बढ़ जाता है, बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, मैंने बताया ना कि अगर डी एक्स लिखा है तो सिर्फ आपको एक्स को ही इंटीग्रेट करना है, डी वाई लिखा है तो सिर्फ आपको वाई को ही इंटीग्रेट करना है, उसके अलावा जो भी होगा, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई एंड जेड दे ऑल आर
ट्रीट एज कॉन्स्टेंट। आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, कॉन्स्टेंट की तरह। तो कॉन्स्टेंट का क्या होता है, बाहर आ जाएगा वो, ए बाहर आ गया, अपना क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब ये हट गया तो इंटीग्रेशन ऑफ वन आ गया, वन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ वन को कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन का क्या मतलब है मैं तुमको यहां बताता हूं। अगर तुम्हें वन को इंटीग्रेट करना है वन डी एक्स, तो ये कितना देगा, एक्स देगा। इसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स आती है। लाओ इसको ट्राई करते हैं, एक्स टू दी पावर जीरो, एक्स टू दी पावर जीरो ही तो वन होता है ना, तो एक्स टू दी पावर जीरो को करोगे कितना मिलेगा, एक्स टू दी पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, एक्स टू दी पावर एन की तरह ट्रीट होगा ना। वन का मतलब क्या है, एक्स टू दी पावर जीरो। हम वन को जब इंटीग्रेट करते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है, एक्स मिलती है ना। तो एक्स कैसे मिलता है, जरा इस चीज को ही तो तुम्हें फील करा रहा हूँ कि तुम एक्स कैसे पाते हो भाई, भाई तुम्हें फील करा रहा हूँ ना, तुमको एक्स कैसे मिलता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि भैया आपने वन को इंटीग्रेट किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं वन को इंटीग्रेट करता हूँ, यहीं पे मैं कर देता हूँ। वन को क्या लिख सकते हो तुम, ये वन डी एक्स कितना मिलता है, एक्स मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ चौथे नंबर पे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा तुमको, एक्स प्लस सी। वन डी एक्स क्या मिलेगा, एक्स प्लस सी। क्लियर है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या मिलेगा तुमको, सी। वन को इंटीग्रेट करो कितना मिलेगा, एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी। कैसे मिला दोस्त, कैसे मिला तुम्हें, मैं वही सिखा रहा हूं। वन को क्या लिख सकते हो तुम, एक्स टू दी पावर जीरो, और हमको पता है ना एक्स टू दी पावर एन कितना होता है अपना, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है ना। एक्स टू दी पावर एन मतलब क्या, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, दैट द बेसिक नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल है, हम यही करते हैं इसमें। तो जरा इसको ध्यान से देखो, ये एक्स टू दी पावर एन की जगह क्या है, जीरो है ना, एन की जगह क्या है, जीरो है, और ये डी एक्स है, एन की जगह क्या है, जीरो है। जैसे क्या लिख पाओगे तुम, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, क्या मिल रहा है तुम्हें, एक्स। यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर जीरो यानी वन, यू विल गेट एक्स, यू विल गेट एक्स। यानी कॉन्स्टेंट को तुम अगर इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलेगा, एक्स। लेकिन वो कॉन्स्टेंट कैसा, वन है, तो ठीक है ना, सी इंटू वन है, मतलब तुम सी को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, सी एक्स, क्योंकि सी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के साथ वन आ जाएगा, वन करो तो एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वही किया ना हमने, चलो यहाँ पे देखो क्या है, ये ऐसे लिखे ए, एक्स स्क्वायर को करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, एक्स क्यूब बाई डी प्लस, इसको करो भाई प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट लगा लो, बार बार तुम्हें कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी लगा लो, अभी तुम सीख रहे हो, ठीक है। एक्स को करो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, अभी तुम लर्निंग पीरियड में हो, तुम्हें ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी, ठीक है ना। सी को करो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी थ्री। अब ये जो कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हें, सी वन सी टू और सी थ्री, ये मिलके कोई एक नया कांस्टेंट सी बना लेंगे, क्या कर लेंगे वो, मिलके कोई नया कांस्टेंट सी बना लेंगे, ठीक है ना, मिलके कोई नया कांस्टेंट वो सी बना लेंगे। तो यहाँ कितना मिलेगा तुमको, ए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी वन, मान लेते हैं सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सी वन के बराबर है, ये इंटीग्रेट करके अपना आया। और इसके बाद यही किसके बराबर दिया था, यही तुम्हारा किसके बराबर दिया था क्वेश्चन में, देखो यही तुम्हारा दिया था किसके बराबर दिया था, देखते हैं, दिया था एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये दिया था ना, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी वन दिया था ऐसे, ठीक है ना। चलो इसको सी टू में सी के कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, दिया था। तो मैं ए की वैल्यू पूछा था, तो कंपेयर कर लो कोफिशियंट, तो क्या हो जाएगा, ए बाई थ्री इक्वल टू वन बाई थ्री, एक्स क्यूब के कोफिशियंट को एक्स क्यूब के कोफिशियंट के साथ कंपेयर कर लो, देन यू विल फाइंड ए, ए इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, वन। ऐसे ही आप एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट के साथ क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, तो बी बाई टू इक्वल टू वन बाई टू, टू से सब कट गया, बी इक्वल टू कितना मिला तुम्हें, वन, ठीक है। एज यूजली अगर आप सी के कोफिशियंट्स को कंपेयर करते हैं, एक्स तो यहाँ है ही नहीं, एक्स यहाँ कहीं है क्या बगल में, एक्स है ही नहीं, तो मतलब सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो मैं जीरो इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना,
एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो देन यू विल गेट सी इक्वल टू जीरो, देन यू विल गेट सी इक्वल टू जीरो बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो एज यूजुअली आप एबीसी फाइंड कर पाए कि नहीं कर पाए, कर पाए ना। ऐसे ही अगर मैं इसको मेथड टू से करना चाहता है, इसके पास दो मेथड थे कि या तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद जो गिवन डाटा है उसके साथ क्या कर लो, कंपेयर कर लो, ठीक है, देन वी कैन डू इट। या फिर दूसरा मेथड ये है कि जो गिवन डाटा था इक्वल के इधर राइट हैंड साइड उसे डिफरेंशिएट कर लो, और डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है, वही सेम क्वेश्चन मिलता है जिसको इंटीग्रेट करना होता है। चलो वी विल नाउ अप्लाई मेथड टू, हम लोग मेथड टू अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेथड टू, मैं आपको जो ट्रिक नंबर वन बताया हूं उस ट्रिक नंबर वन पे क्वेश्चंस कैसे यूज होते हैं, ठीक है, मैं वो आपको यहां दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज अब यहां पे आपको ये तो सीखना नहीं ना कि x क्यूब को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये तुम्हें आना चाहिए, ये तुम डिप्लोमा में थोड़ा बहुत पढ़े हो, यहाँ भी मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस छोटे छोटे कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं तुम्हें सारा कुछ बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस रियलिटी में कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो मेथड टू हम देखते हैं क्या है। अब जरा इस मेथड टू को देखो, क्वेश्चन क्या था अपना दोस्त, क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन ले आते हैं अपना, क्वेश्चन यही था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस कोई कांस्टेंट c1, ऐसे था। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, इसे क्या कर दो, मुझे पता है ना a से b जाने के लिए i करना पड़ता है और b से a आने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो डिफरेंशिएट करो किसको, x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c1। मैं उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएशन आप लोग डिप्लोमा में पढ़े हैं, ठीक है। चलो ddx को इंटीग्रेट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, तो ये सबके साथ बढ़ जाएगा dx ऑफ x क्यूब बाय 3, ठीक है ना, प्लस जैसे इंटीग्रेशन बढ़ता था तो वैसे ddx बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ddx ऑफ कितने का, x स्क्वायर बाय 2 प्लस ddx ऑफ c1। क्लियर है, कोई समस्या किसी को? चलो अब जरा ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा 1/3 डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब। अरे भाई इसको तेजी से भी तो कर सकते थे, तुम्हें आता तो तेजी से कर लेते, है ना, सीधे कर लेते एक्स क्यूब को 3x स्क्वायर, 3 से 3 कटा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर करते 2 × x, 2 से 2 कट गया, x मिल गया, प्लस कॉन्स्टेंट 0 खत्म, कंपेयर कर लेते a=1 b=1 c=0, एक लाइन में हो गया, ठीक है ना। चलो 1/2 बाहर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c1 को 0 करोगे कितना, कॉन्स्टेंट, अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट तो क्या मिलता है, 0, क्या मिलता है, 0, ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे इसे करो 1/3, और तुमको पता है डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर n इक्वल टू होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 3x स्क्वायर प्लस 1/2 × 2 x का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा प्लस 0, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये 3 से 3 भस्म हो जाएगा, 2 से 2 भस्म हो जाएगा, क्या मिलेगा तुमको, x क्यूब प्लस x, ठीक है ना, प्लस 0, ठीक, तुमको ये क्या मिल गया, वो टर्म मिल गया या वो क्वेश्चन मिल गया जिस क्वेश्चन को तुम यहाँ पे इंटीग्रेट करने आए थे। अब जरा उसको कंपेयर करो, ठीक है, आप कंपेयर कर लो, क्वेश्चन तुम्हारा क्या गिवन था, तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो क्या गिवन था, यही ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इतने की जो वैल्यू है वो क्या है, वो यही तो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस जीरो, देखो कितना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस जीरो, एक्स स्क्वायर है ये, सॉरी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर, अब कंपेयर कर लो, x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1,
बी का कोफिशियंट कंपेयर यानी एक्स के कोफिशियंट कंपेयर करो, बी कितना मिल गया 1, सी कितना मिल गया 0। तो यहाँ पे तुम देख पाए कि जो हमने दोनों मेथड अप्लाई किया उससे भी हम क्या कर रहे हैं सेम आंसर पा रहे हैं, और जो हमने मेथड दूसरा अप्लाई किया उससे भी हम क्या कर रहे हैं सेम आंसर पा रहे हैं। तो चलो अगला हम फार्मूला अपना लिखते हैं उसी में अपने अगले फार्मूले पे चलते हैं और उसको उसमें लिखते हैं। ठीक है अपना अगला फार्मूला हम लिखने की कोशिश करते हैं कि अगला फार्मूला क्या है, पांचवा नंबर। ठीक है ना क्या है अपना अगला, अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx। अगर आप sec स्क्वायर x dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलेगा क्या tan x, क्या मिलेगा आपको tan x plus c, क्या मिलेगा tan x plus c। ऐसे ही आप छठवें नंबर की हम बात करते हैं, ठीक है इसकी हम बात करते हैं, इनको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है और वैसे ही अगर आप tan x को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है sec स्क्वायर x मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx। cosec स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस cot x, क्या मिलेगा माइनस cot x प्लस सी। अगर आप cot x को डिफरेंशिएट कर दें माइनस cot x को तो क्या मिलता है, cot x को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एज इट इज, आपको cosec स्क्वायर x मिल जाएगा। ठीक है उसके बाद sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। सातवां नंबर क्या है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा sec x, क्या मिलेगा sec x प्लस c। अगर आप sec x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा sec x इंटू tan x, ऐसे ही अगर आप tan x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो मिल जाएगा sec स्क्वायर x, माइनस cot x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो मिल जाएगा आपको cosec स्क्वायर x, sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा sec x इंटू tan x। तो यानी a से b जाने के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और वापस b से a आने के लिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उस पर बेसिस क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो ट्रिक नंबर वन अपनी यही थी। अब आपका कुछ अगला बेसिक फार्मूला है वो क्या है, उसको भी नोट कर लेते हैं ना, उसको भी नोट कर लेते हैं। वो क्या है अपना आठवां नंबर, ठीक है ना आठवें नंबर को थोड़ा हम लिखते हैं। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x। तो cosec x इंटू cot x क्या मिल रहा है तुमको भाई, माइनस cosec x, ठीक है ना माइनस cosec x, माइनस cosec x प्लस c। तुम्हारा ये बेसिक फार्मूले थे जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है ना क्लियर है। अब जरा इसी बेसिक फार्मूले को तुम ऐसे देखो, ठीक है ना ये बेसिक फार्मूले थे जो तुम्हें पते होने चाहिए थे ना। तो तुमने अभी देखा ना इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, तुम्हें क्या मिला x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अगर वही तुम डिफरेंशिएट कर देते डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करते तुम्हें क्या मिलता x टू दी पावर n, ठीक है। दूसरा जो तुमने इंटीग्रेट किया इंटीग्रेशन ऑफ cos x या sin x का था, दूसरा क्या था देखते हैं, दूसरा हमने क्या लिया था, दूसरा लिया था हमने cos x लिया था, ठीक है ना इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अगर तुम cos x को इंटीग्रेट करते तो तुम्हें क्या मिलता sin x प्लस कांस्टेंट सी है, आप लगा लीजिएगा, वहां मैंने लगा रखा है, यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है सी आप लगा लीजिएगा, आपको पता है कांस्टेंट लगेगा, ठीक है ना। तो साइन एक्स हो गया ये चीज। अगर मैं इसी साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देता डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देता तो क्या मिलता कॉस एक्स, ठीक है क्लियर है कॉस एक्स मिल जाता। ऐसे ही तीसरा जो अपना था वो था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते तो क्या मिलता माइनस
कॉस एक्स, अगर आप इस माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर देते, माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर देते तो क्या मिलता आपको, साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको साइन एक्स। मैं आपको दिखा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है। चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या मिलता है आपको टेन एक्स, क्या मिलेगा आपको टेन एक्स। लेकिन अगर आप टेन एक्स को डिफरेंशिएट कर देते, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स कर देते, तो आपको मिलता सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है देखते हैं अपना, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स ना, पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट करते तो आपको मिलता एक्स, ठीक है ना। लेकिन आप अगर इसी एक्स को डिफरेंशिएट कर देते डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो आपको मिल जाता कितना वन। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहां तक? चलिए इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि कहीं भाग के ना जाए। चलो अब यहां पर देखो सेम वही चीज हम करने जा रहे हैं। अपना अगला क्या था, उसके बाद क्या था, कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या था कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स आपको कितना मिलेगा, माइनस कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स कितना मिल रहा है माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। अगर आप इसी को डिफरेंशिएट कर देते, अगर आप क्या करते इसी को डिफरेंशिएट कर देते, अगर आप इसी को डिफरेंशिएट कर देते मतलब डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स कर देते तो आपको क्या मिलता, कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या मिल जाता कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, क्लियर है। अगर सेम वही काम करते कोसेक स्क्वायर के बाद क्या है, sec x into tan x, क्या है अपना sec x into tan x, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, लिख पाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x into, ये जो किचुआ जैसा साइन बना है ना वो इंटीग्रेशन का है, ठीक है ना। sec x into tan x क्या मिलता आपको sec x, क्या मिल जाता sec x, sec x, ठीक है ना। अगर आप डिफरेंशिएट करते डी डी एक्स ऑफ किसको, sec x को, अगर आप डिफरेंशिएट कर देते तो क्या मिल जाता तुमको sec x into tan x, ठीक है ना, क्या मिल जाता sec x into tan x, क्लियर है। किसी को कोई समस्या परेशानी दुख दर्द तकलीफ, चलो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx करते तो तुम्हें मिलता क्या माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर तुम यही काम करते डी डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को तुम क्या कर देते डिफरेंशिएट कर देते तो तुम्हें क्या मिलता कॉट एक्स, सॉरी कॉट एक्स मिलता है ना, ये कॉट एक्स देखो माइनस कोसेक एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ माइनस कोसेक एक्स है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है, माइनस कोसेक, इसको इंटीग्रेट करते तुम्हें क्या मिलता डिफरेंशिएट करते तो cosec x into cot x, cosec x into cot x, ठीक है। तो हम देख पाए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है। क्लियर है, किसी कोई समस्या आया था समझने में, चलो अच्छी बात है। अब कुछ और हमारे पास जनरलाइज्ड फार्मूले हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ और जनरलाइज्ड फार्मूले हैं उनको भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, ठीक है, सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे तुमको, ठीक है ना। चलो अब फॉर्मूला टू लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, फॉर्मूला दूसरा लिखते हैं, अब दूसरे वाले टाइप का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो पांच नंबर, कितने नंबर तक फॉर्मूला हो गया था अपना, आठ नंबर तक हो गया था ना, अब नौवे नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं, नाइन्थ नंबर का हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, नाइन्थ नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या उसमें लिखा जाए, इसमें लिखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तुम्हें क्या मिलेगा ये साइन इनवर्स एक्स, क्या मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर तुम ये
अगर तुम इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते, मतलब तुम इसको ऐसे कर देते डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो तुम्हें क्या मिलता, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलो नौ नंबर क्लियर हुआ दोस्त। हम दसवें नंबर के फार्मूला की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हें कितना मिलता, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर तुम कॉस इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देते डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करते, तुम्हें क्या मिलता, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन सारे फार्मूले को एक साथ हम क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं, जिससे आपको ये भी पता चले कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को करोगे तो डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, डिफरेंशिएट कर दोगे तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, ए और बी में रिलेशन हमने जान लिया और उस पर बेस एक क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया है, देख लिया है, और हम अभी सिर्फ फॉर्मूले को राइट कर रहे हैं। ठीक है ना, दसवां नंबर का फॉर्मूला समझ में आया, आपको फॉर्मूले की शीट मिल जाएगी, डोंट वरी। ग्यारह नंबर देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx, तुम्हें क्या मिलेगा, ये tan इनवर्स x, क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, क्या मिल जाएगा तुमको, tan इनवर्स x। अब वही तुम अगर इंटीग्रेट करते डिफरेंशिएट करते डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, देन यू विल फाइंड वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कुछ नहीं, इसमें इसमें तो कॉन्स्टेंट ऐड ही नहीं होता, ठीक है ना, प्लस सी यहाँ। ठीक है ना, ग्यारह नंबर का फॉर्मूला लिख लिए, चलो ग्यारह नंबर तक की बस पकड़ लिए, अब बारह नंबर की बस पर चढ़ो। ठीक है ना, बारह नंबर वाला देखते हैं क्या है, बारह में लिखो डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, sec इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब वापस से तुम अगर डिफरेंशिएट कर दो किसको, डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हें कितना मिल जाएगा, वन अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वही मिल जाना है, तो तुम्हें को सोचना ही नहीं है। बारह नंबर भी क्लियर हो गया अपना, अब तेरह नंबर देखते हैं। ठीक है, अब तेरह नंबर में क्या है, माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका कितना मिलता है तुमको, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या मिल जाएगा तुमको, ये कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर वापस से तुम डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स कर दो, कोसेक इनवर्स एक्स कर दो, देन यू विल फाइंड माइनस डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, कट जाएगा, वन हो जाएगा, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस तरह से तुम देख पाए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन बन के आ रहा है। ठीक है ना, तेरह नंबर तक क्लियर हुआ, चलो अब तेरह नंबर के बाद हम बढ़ते हैं चौदह नंबर के पेज पे, चौदह नंबर पे, हाँ तेरह के बाद हम बढ़ते हैं अब चौदह नंबर पे। ठीक है, तेरह नंबर तक तो क्लियर हो गया, चौदह चौदह में क्या लिखोगे, लिखो e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x dx को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, e टू दी पावर x प्लस सी, तो वही मिल गया। ठीक है ना, हाँ ये वही मिलता है, और अगर इसको डिफरेंशिएट भी कर दो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स को, तुम्हें क्या मिलेगा, ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, क्लियर है, चौदह नंबर भी क्लियर हो गया होगा। पंद्रह नंबर का सवाल देखो, अब तक ये बात समझ में आ गई होगी ना कि इंटीग्रेशन है कि ये कुछ मिला और जो मिला उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिल गया, इंटीग्रेशन मिल गया। ठीक है ना, चलो अब इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसे क्या लिख सकते हो, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई,
लॉग ए बेस ई, ठीक है ना, क्लियर है, चलो प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना तो मिल जाएगा। अब वो चीज को मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग ये जान चुके हैं कि भाई उसको डिफरेंशिएट करने पे सीधे वही मिलेगा, तो बार बार क्यों लिखना है कि नहीं, ठीक है ना। चलो अब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, 16 नंबर, अब उसको बार बार क्यों लिखना है कि नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स कितना मिलता है, लॉग एक्स प्लस सी, और लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वन बाई एक्स। ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए टू दी पावर एक्स, ठीक है। चलो तो मैं और कर दूं ऐसे। 17 नंबर देखते हैं हम, 17 नंबर में क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। अब देखो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, अभी मैं सारे फार्मूले को, कुछ फार्मूले को मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ तक मैं फार्मूले को लिखवा के मैं रुक जाऊंगा, इसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे फार्मूले को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हम देखो डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमको इसको लिखना पड़ता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स को वहाँ टी पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, फिर कॉट एक्स को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें करेंगे, एक एक मेथड देखेंगे इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये काफी बड़ा चैप्टर है और बड़ा मजा भी आने वाला है, ठीक है, और इंटीग्रेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ये एकदम गारंटी है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कितना होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, इसका मिलता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका एक और होता है और क्या होता है, माइनस लॉग कोसेक एक्स, माइनस लॉग कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। अभी क्या है कि तुम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो ना, तुम्हें कॉट एक्स मिल जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो तुम्हें कॉट एक्स मिल जाएगा, कैसे, मैं यहां दिखा दे रहा हूं, लॉग साइन एक्स को तुम डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स को फिर से करना पड़ेगा तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या मिल गया, कॉट एक्स, ठीक है ना, कॉट एक्स मिल गया ना, सिंपल ऐसे आप कर पाएंगे, ठीक है ना। 18 नंबर देख लो क्या है, इन सारे फार्मूलों को मैं लिख दिया हूं और यहीं पे फार्मूले को मैं क्या कर दूंगा, अभी रोक दूंगा, ठीक है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स कितना मिलेगा तुमको, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग सिक एक्स, लॉग सिक एक्स, लॉग सिक एक्स, ठीक है ना, लॉग सिक एक्स प्लस सी, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, फॉर्मूले पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए उन्नीस नंबर का फॉर्मूला देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स को आप डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसको करने के लिए आपको कुछ चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कुछ चीजों से डिवाइड करना पड़ता है, sec x plus tan x से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और sec x plus tan x से डिवाइड करना पड़ता है, या फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के इसको करते हैं, ठीक है ना। चलो इसका आएगा आपका log, बेस आपका e रहेगा sec x plus tan x, ठीक है ना, sec x plus tan x, sec x plus टेन एक्स, ठीक है, क्लियर है, sec x plus tan x plus c, plus c, 19 नंबर अपना ये कंप्लीट है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 20 नंबर क्या है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर फार्मूला अपना, आज का फार्मूला इतना काफी है, ठीक है। 20 नंबर पे देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, क्या मिलेगा तुम्हारा, ये log, log बेस e cosec x माइनस cot x, ठीक है, cosec x माइनस cot x, cot x प्लस। अब इन एक एक चीजों को हम लोग देखेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे और समझेंगे ये कैसे कैसे सॉल्व होके आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको ये पीडीएफ फॉर्म में ये मिल जाएगा,
सारे फॉर्मूलों को आप देख के याद करेंगे और इनको आप लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए तो हम लोग अपना टाइप ए शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा टाइप ए इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी जो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे टाइप ए की, इसकी बात करेंगे टाइप ए इंटीग्रेशन, ठीक है ना। टाइप ए में क्या पढ़ेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होगा अपना ये, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन देख के शुरू करते हैं कि इन टाइप ए में किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला प्रॉब्लम राइट डाउन कर नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर वन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, पहला क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व कर पाएंगे इजिली, क्या लिखेंगे सोल्यूशन इसका, आप सॉल्व कर पाएंगे ना भाई, सिंपल ये हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो इसकी जगह आप क्या लिख पाएंगे, वन डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, सिंपल है कि नहीं सिंपल है, एकदम सिंपल है ना। चलो क्वेश्चन नंबर टू लिखते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर टू इसी तरह से दिया हुआ है उसको भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आप लोग खुद करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, सिंपल आइडेंटिटिकल फार्मूला है, आइडेंटिटी है अपनी। इसको अगर आप सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन। तो इसकी जगह आप क्या लिख पाएंगे, वन, इसकी जगह आप क्या लिख पाएंगे, वन। तो लिख दीजिए वन, वन को इंटीग्रेट कर दीजिए, डी एक्स कितना मिल जाएगा तुमको, एक्स प्लस सी। एकदम मैं बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि जिसको इंटीग्रेशन आज तक नहीं आया है वो यहाँ से सीख के जाए, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर इसको करते हैं। अगला लिखता हूं मैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं ऐसे, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। चलो अब जरा ये देखो, हमको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है ना, कि सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन एक्स। लेकिन अपने को टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता होता, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम किस में तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं, आइए इसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन ऑफ sec square x plus tan square x, तो आप क्या ले सकते हैं,
sec स्क्वायर x माइनस वन, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना, होती है ना। तो tan स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं हम, sec स्क्वायर x माइनस वन, sec स्क्वायर x माइनस वन, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका टोटल ये dx। अगर आप वापस से इसको लिखते हैं तो आप कर पाएंगे sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x कितना हो गया आपका 2 sec स्क्वायर x माइनस वन एंड dx, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तक ही बहुत स्लो स्लो इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन आफ्टर दैट लेक्चर 1 एंड 2 I will solve all the integrals direct. Then you have to practice. ठीक है ना, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसलिए आपको बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ, लेकिन जैसे एक या दो लेक्चर कंप्लीट हुआ तो फिर मैं एक्सेलरेटर दबा दूंगा और आपको उस एक्सेलरेटर का पीछा करने के लिए, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी। तो अपनी डिप्लोमा की बुक उठाइएगा और इंटीग्रेशन के जो भी आपके चैप्टर दिए होंगे उसको आप लगाना शुरू कर दीजिए, या फिर एनसीईआरटी उठाइए और उसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, आज से ही। चलिए अब इसको ये देखिए, कांस्टेंट टर्म है, टू बाहर रहेगा, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने कितना मिल जाएगा आपको tan x dx, tan x मिलेगा सिर्फ tan x माइनस वन को इंटीग्रेट कितना मिलेगा x प्लस कोई कॉन्स्टेंट c, बार बार आपको कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सारा इंटीग्रेट करने के बाद से एक जगह आप लाख कॉन्स्टेंट लगा देंगे। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसे आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, इसे मैं नहीं कराने वाला, ठीक है। ये भी चिंदी सा क्वेश्चन है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब आपको पता है ना कि हमें कोसेक स्क्वायर एक्स का पता होता है, कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं, तो कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ लोगे किसमें, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। अब कर लोगे, हो जाएगा, चलो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात। और मैं इसमें क्वेश्चंस तुम्हारे लिए जरा लेके आऊं, इसमें और क्या क्या है, हाँ एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे एचडब्ल्यू में। यहाँ एक क्वेश्चन और है, देखो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोसेक स्क्वायर x बाई टू, टू कोसेक स्क्वायर x बाई टू माइनस वन, माइनस वन डी एक्स, इसे तो मैं इंटीग्रेट करना है। आप कैसे इंटीग्रेट करोगे भैया, कोसेक x होता तो इंटीग्रेट करना आसान होता, या फिर cos x होता सिर्फ इंटीग्रेट करना आसान होता ना, कॉस एक्स का साइन एक्स लिख के चले जाते, सही हो जाता, लेकिन एग्जामिनर तो ऐसा देगा नहीं, उसको पता है भाई इजी है, कुछ तो तोड़ेगा ना। तो देखो उसने कर दिया क्या, टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, यहाँ पे तुम क्या करोगे, अगर तोड़ दो इसको, तोड़ते हो कि टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू को अलग मैं इंटीग्रेट कर लूँ, और वन का तो पता है एक्स, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या, उसे कैसे करोगे। तो तुम जरा ट्रिग्नोमेट्रिक कि जितने फार्मूले हैं उन्हें सबसे पहले रिवाइज करोगे, ठीक ना, त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले आप यूज किए होंगे आज तक, उन सभी फार्मूलों को आप अपने दिमाग में स्टोर कर लेंगे, दिमाग की मेमोरी में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अगर स्टोर नहीं है तो उसे जाके स्टोर कर लीजिए, अन्यथा आप इस चैप्टर में सवाल लगाते वक्त बहुत ही पीछे रहेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद कर लेने हैं, उनकी सारी आइडेंटिटी को पढ़ लेना है आज के होमवर्क में, और जितने फार्मूले मैंने लिखवाए हैं उन सारे फार्मूलों को दिमाग में एकदम ठूस लेना है, एकदम भर लेना है, ताकि जब भी हम इंटीग्रेशन पढ़ें तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करें, करते रहें, बार बार हमें पेज पलट के फार्मूले देखने ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आप कर लेंगे तभी आप इंटीग्रेशन मजबूत कर पाएंगे। इस सवाल को करने के लिए जरा एक चीज देखिए, आप जब हाई स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ते होंगे तो वहां पे एक आइडेंटिटी यूज करते होंगे ना, एक आइडेंटिटी आप यूज करते होंगे, कौन सी आइडेंटिटी है भाई, वो एक आइडेंटिटी आप यूज करते होंगे
कॉस 2x की ना, कॉस 2x का फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। देखो यहां पे दो था ना, तो यहां आधा हो गया, देखा ना 2 बाई 2 हो गया। यहां जितना होता है वहां x पे क्या आता है, हाफ आता है, 2 है तो 2 बाई 2 हो गया, नहीं 1 आएगा x का कोफिशियंट। अगर यहां 4 होता तो कितना आता, 4 का हाफ होता, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो x का कोफिशियंट कितना 2x आ जाता। यहाँ पे कितना होता 10x होता, तो यहाँ पे क्या आता आधा ही आता, 10x का आधा कितना होता है 5x, तो 2 cos square 5x minus 1 होता। अगर यहाँ पे cos x होता, cos x होता, इसका फॉर्मूला लिखते कितना 2 cos square। अब जब स्क्वायर में क्या आता आधा आता है ना, यहाँ जितना होता है उसका आधा आता है, तो x है तो x का आधा कितना 2x, x by 2 minus 1, यही ना दिया है देखो 2 cos square by 2 minus 1, इतने की जगह क्या लिख दोगे cos x, तो तुमको भैया फार्मूला याद करना पड़ेगा। सर कैसे होगा ये, फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूला नहीं याद किए हो ना, एकदम आराम फरमा रहे थे तुम लोग बैठ के, अब आराम हराम है। इंटीग्रेशन के बाद जब इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है तो आपका काम बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हें त्रिकोणमिति भी आनी चाहिए, उनके सारे आइडेंटिटीज याद भी होने चाहिए, और उनकी आइडेंटिटीज को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करोगे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हर लेक्चर वन के बाद आपको एक शीट मिलेगी, उस शीट को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें ढेर सारे इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम होंगे विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है ना, आपको मिलेंगी, और यहाँ मैं कुछ कुछ करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे, cos x ना, तो सिंपली क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है, cos x dx। अब भाई cos x का इंटीग्रेशन तो अपने को आता है, cos x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो बच्चों वाला हो गया ना, cos x को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, sin x, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा तुमको, sin x plus c, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और आप करेंगे। चलिए एक और मैं करा देता हूँ प्रैक्टिस अपने स्तर पे, मैं एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आज का, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, इसे इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे बच्चा, फॉर्मूला यूज करोगे ना, इस 1 को खत्म कर दो, मतलब नीचे किसी तरह से हट जाए तो अपना काम हो जाएगा। इसको हटाने का देखो दो मेथड है, 1 माइनस कॉस 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक, फिर क्या करोगे उसको अलग अलग करोगे तो दो तीन पार्ट में इंटीग्रेशन होगा, या फिर क्या करो cos 2x को सॉल्व कर लो, क्या cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अभी भी बताया सर कट गया, तो कितना हो गया ये dx अपॉन 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना, 1 by 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन तो लगेगा ही लगेगा, केचुआ राम रहेंगे ही रहेंगे, 1 by 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गए, अब ये कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x ना, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अब इस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x, तो cos स्क्वायर x होगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है ना, ये कितना हो गया 1 by 2 sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन। अब भाई तुम ये 1 by 2 है sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हो तो क्या मिलता है tan x, अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला हमने देखा है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, तो हो गया काम अपना tan x plus c, ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपको शीट मिल जाएगा, ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे। और देखिए मैं आपके दिमाग में दो चीजें क्लियर कर दूं, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को नहीं आता है जो अपना बेसिक क्लियर नहीं किए होते हैं। अब ये बेसिक क्या है, आपको आइडेंटिटीज के फॉर्मूले नहीं पता होंगे, ठीक है, उन फॉर्मूलों को एक दूसरे में आप कैसे इंटरचेंज करेंगे ये नहीं पता होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि उन फॉर्मूले को कब कैसे और कहां अप्लाई करना है, बाकी चीजें तो वही है फॉर्मूले पे ही तो करना है ना, हम बस अप्लाई करके उसको रिड्यूस करते हैं। जो भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में होता है हम अपने बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करके, जो भी हम फॉर्मूले पढ़े होते हैं उनका यूज करके हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद जो हम नए फॉर्मूले सीखे इंटीग्रेशन के या फिर डिफरेंशिएशन को, जो भी रिड्यूस होके आया होता है उस पर क्या कर देते हैं, हम अप्लाई कर देते हैं एंड वी विल गेट आंसर। तो ये सब चीजें आसान है, कठिन नहीं है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेहद आसान होता है, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा ये चैप्टर लगता है, इसमें आप अच्छे से सीख सकते हैं, अपने दिमाग को खोल सकते हैं, इसमें आपके दिमाग का विस्तार भी होता है, ठीक है,
तो जरूरी है कि आप सारी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप पढ़ लें और उनको कैसे अप्लाई करते हैं एक दो चैप्टर लगा के प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलों को आप याद कर लें, फिर मेरे बताए गए मेथड्स को आप फॉलो करें और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे हर लेक्चर के बाद उसे आप क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू।